हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज का अपना टॉपिक प्रिज्म। हम अपन जानेंगे पहले कि प्रिज्म होता क्या है। आपके सामने डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इट इज सोली ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैविंग टू प्लेन रिफ्रैक्टिव सरफेस। दो सरफेस होगा जहाँ पर रिफ्रैक्शन होगी। अब तुमने बोले सर ये तो यहाँ पर तीन है, तो ये वाला बेस होता है, ठीक है। बेस यहाँ से कुछ नहीं होगा, जो भी रिफ्रैक्टिव सर्फेस होगा एक ये होगी एक ये होगी, ठीक है। विच आर नॉट पैरेलल, ये दोनों रिफ्रैक्टिव सर्फेस क्या है बच्चों, ये वाली और ये वैली क्या आपकी पैरल नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगर पैरल होगी तो अब सवाल मेरा क्या बन जाएगा बच्चों, पैरल होगा तो तुम लोग देख लो, अगर ये तुम्हारा दो रिफ्रैक्टिव सरफेस पैरल है तो ये तुम्हारी बन जाएगी क्या, यहाँ से एक रिफ्रैक्टिव सरफेस ही है, बेंड होगी अंदर जाके फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो ये तुम्हारा प्ले ग्लास स्लैब बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या बन जाएगा आपका, ग्लास स्लैब बन जाएगा, प्रिज्म नहीं रह जाएगा। तो ये आपका प्रिज्म होता है जहाँ पे ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती हैं। तो चलो रे डाल के देखते हैं क्या होता है अपन। तो अगर यहाँ से बच्चों पहले तो नॉर्मल ड्रॉ कर लो, ये आपकी यहाँ से गई रे, ये इंसिडेंट रे है इस सरफेस के लिए, तो ये नॉर्मल, तो ये एंगल कितना हो गया भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया। अब ये भाई ये आपका मटेरियल है, बाहर वाला एयर है, तो ऑफकोर्स इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो क्या होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। तो ये सीधे ना जाके, ऐसे ना जाके, ये ऐसे ना जाके आपकी आपकी क्या बेंड हो जाएगी कुछ एंगल पे, चलो बेंड हो गए। अब यहाँ पे भी तो आपका नॉर्मल है, यहाँ पे अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो, यहाँ पे ऐसे नॉर्मल होगा 90 डिग्री पे। टूवर्ड्स द नॉर्मल यहाँ पे आपका क्या बच्चों, नॉर्मल है। अब ये सीधे ना निकल के क्या हो जाएगी आपकी, बेंड हो जाएगी ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, क्योंकि अब यहाँ ये क्या हो रहा था, रेयर से डेंसर जा रहा था, अभी क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर जा रहा है। तो ये तो आई हो गया इस सरफेस के लिए, देखिए ये वाला सरफेस रिफ्रैक्शन समझो, तो इंसिडेंस एंगल आई और रिफ्रैक्टिव एंगल कितना हो जाएगा R1। इस वाले सर्फेस के लिए इंसिडेंट रे बनेगी, चलो मैंने मान लिया कि ये आपका R2, मैंने मान लिया ये आपकी क्या है R2 है, और ये जो है आपका जो बाहर निकल रही रे, इसे मैंने मान लिया ई मान लिया, ठीक है। अब देखो कुछ टर्मिनोलॉजी, ये आपका बेस होता है, ये रिफ्रैक्टिव सरफेस, एक ये हो गया दूसरा ये हो गया, क्या जरूरी है कि इसी तरह से रह जाए, नहीं आपको इधर से लेना है तो इधर से ले लो, ठीक है। तो अगर इधर से रे डालते हो बच्चों, मान लो इधर से, तो क्या होगी ऐसे जाएगी। अब ये क्या है कि रे से डेंसर आए तो फिर झुकेगी ये, तो ये कि डेंसर मीडियम में जाएगा तो झुकेगी, फिर यहाँ से दूर हो जाएगी, तो मतलब प्रिंसिपल आप रिवर्सिबिलिटी फॉलो करेगी, मतलब जो पाथ इधर से फॉलो करेगी सेम इधर से डालोगे तो वही पाथ फॉलो कर लेगी, सिंपल सी बात है। तो इधर से भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग चाहे तो अगर इधर से करोगे तो पहले रिफ्रैक्टिव सर्फेस ये 1 बन जाएगी, और इधर से डालोगे तो पहली सर्फेस ये बन जाएगी। तो इधर चढ़ा मैंने मान लिया इधर से मैंने डाला, तो रिफ्रैक्टिव सर्फेस ये पहला 1 मेरा, और ये वाला क्या आपका दूसरा है। अब क्वेश्चन हो जाएगी कि ये जो एंगल, ये जो रिफ्रैक्टिव सर्फेस का जितना इंक्लाइनेशन है टू ईच अदर, पहला और दूसरा में जो रिफ्रैक्टिव सरफेस है बच्चों, इनका जो इंक्लाइनेशन, इनके बीच का जो एंगल है, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिव एंगल या एपेक्स एंगल, दोनों तीनों याद होना चाहिए। अक्सर एंगल ऑफ प्रिज्म के फॉर्म में पूछता है, ये जो बच्चों आई है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल, और जो ई है वो है इमर्जेंट एंगल, इमर्ज हो रही ना फाइनली, एंगल ऑफ इमर्जेंट या इमर्जेंट एंगल होती है। ये बच्चों क्या हो गए, मैंने देखा कि अब ये कुछ टर्मिनोलॉजी अभी हमने शुरुआत नहीं किया, मैंने डेफिनेशन देखा है पहले, तो डेफिनेशन क्या देखा बच्चों कि जो प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, सॉलिड ट्रांसपेरेंट मीडियम विच हैव टू रिफ्रैक्टिव सर्फेस, यहाँ मतलब क्या दो सर्फेस होंगे, यहाँ से रिफ्रैक्शन की फिनोमेना होगी, ठीक है ना, जहाँ पर दो सर्फेस होंगे जहाँ पर रिफ्रैक्शन की फिनोमेना होगी, ठीक है ना। तो अब ये बात होगी बच्चों यहाँ तक, अभी कुछ अपन फर्क देखने वाले हैं, कुछ अभी कुछ फर्क देखें, लाइक मैं क्या बोलूँ कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंस देख लेते हैं ग्लास प्रिज्म और एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है ना, यही भी बता देता हूँ मैं। कि कहाँ पे मतलब आपकी यूज होती है प्रिज्म, कहाँ पे ग्लास स्लैब यूज होता है। देखो तो ग्लास स्लैब में भी तो दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेस होता है, और ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या बच्चों पैरेलल है, ये दोनों क्या है ये पैरेलल है, तो ये मेरा पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनेगा, ये वाला दूसरा बनेगा, है ना। अगर मैं इधर से रे डालता हूँ तो ये आपने रे डाला बच्चों, ऐसे ये आपने रे डाला,
अच्छा अगर मैं सबसे पहले तो ये मेरे को बता दो कि इसका एंगल ऑफ, अगर मैं बोलूँ कि एंगल ऑफ प्रिज्म ए क्या होगा, वो भी बता सकता है? तो तुमने बोले सर अभी आपने बताया कि जो रिफ्रैक्टिव सरफेस है वन टू कितना एंगल बना रही है, ये कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। तो ये मेरी रिफ्रैक्टिव सरफेस है वन और दूसरी मेरी ये है, तो ये तो दोनों पैरेलल है, यानी कि इनके बीच का एंगल क्या होगा, ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा देखते हैं क्या फर्क है भाई इसमें प्रिज्म में और क्या आपका ग्लास स्लैब में। तो देखो बच्चों ये आपकी रे गई, ये आपका नॉर्मल होगा सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा सीधे ना जाके क्या जाएगी, अगर ये आपकी ऐसे सीधे ना जाके, आपकी ये ऐसे सीधे ना जाके ये क्या हो जाएगी टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, क्यों भाई डेंसर मीडियम है, तो ये आपकी ये बेंड हो गई। फिर अपन यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो अब ये नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो अब यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगी ये ऐसे होगा डेंसर टू रेयर, क्योंकि ये मेरा क्या डेंसर इधर क्या रेयर है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा ऐसे ना जाके कि थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा। देखो ये जो है, देखो ध्यान सुनो, ये आपके ऐसे गए जाना चाहिए ऐसे, तो अब ये ऐसे ना जाके अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब आपकी ऐसे हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब तुम हम लोग बता सकते हो क्या, इसी को तो मैंने बोला था कि अगर इस, अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से इस लाइन पे, लाइक सबसे ये यहाँ से ऑब्जेक्ट है, तो अगर तुम इसको पीछे भी लाते हो लाइक यहाँ पे मिल गया, क्योंकि फाइनल क्या है फाइनल रिफ्रैक्टिव रे है, तो यहाँ पे कट करेगा तो यही मेरी इमेज बनेगा, इसे बोलते थे शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ना, शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट क्या होगा इट्स सिम्स लाइक, मतलब शिफ्टिंग ऑफ इमेज ही बोल सकते हो कि ऑब्जेक्टिव बोलो कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या होगा शिफ्ट टाइप का दिखाई देगा ना। अच्छा मैं अगर इसमें बोलूँ कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा बच्चों, तो तुमने बोलो सर ऐसा एंगल ऑफ डेविएशन मतलब ये होता है कि आपकी जो फाइनल रे, फाइनल रे मतलब मेरी क्या है ये वाली है, और जो ओरिजिनल रे, ओरिजिनल मतलब क्या शुरुआत वाली रे ये जो चली थी आपकी, तो इनके बीच का एंगल तो ये बढ़ा दो तुम ऐसे, तो इनके बीच दोनों तो पैरेलल होती है ना, आपको पता होगा मैंने बताया था दोनों पैरेलल होती है, और इनके बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये वाला, इसे अपन बोलते क्या लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, और ये होता है आपका नॉर्मल शिफ्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट के लाइन के अलॉन्ग शिफ्ट होगा वो क्या कहलाएगा नॉर्मल शिफ्ट, और दोनों ये जो इनके बीच की इमर्जेंट रे और फाइनल रे और जो ओरिजिनल रे उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाएगी इमर्जेंट रे। तो ये दोनों रे बच्चों क्या आपकी पैरेलल, तो यहाँ पर डेल्टा क्या हो जाएगा जीरो। आपको ये आपके नॉलेज के लिए अगर लगा सकते हो तो लिख के लिए अपने मन से लिखना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिज्म एंड ग्लास। तो एक तो पहला मेरे को मिल गया कि जो ग्लास में जो होता है आपका दोनों पैरेलल होता है, इसका मतलब क्या होगा एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा जीरो। दूसरा मेरे को मिल गया कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा जीरो, मतलब अगर किसी भी स्लैब से, ग्लास स्लैब से अगर आप रे पास करा रहे हो तो वो आपकी रे को बेंड नहीं करेगा, आपकी रे को बेंड नहीं करेगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को अगर मान लो कि अगर आपको रे को बेंड करने की नीड है, आपको रे को बेंड करने की नीड है, तब जो है मान लो सपोज बेंड करने की नीड मतलब क्या होगा लाइक इट्स ऐसे सिम्स लाइक, देखो ये सही से बना नहीं है जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जो आर्मी में जो भी होता है आपका जो आपका डिफेंस पर्पज जो यूज होता है, तो ये अपन क्या बोलते हैं भाई इसे हिंदी में दूरबीन बोलते हैं ना, जो बहुत मतलब अच्छी रेंज वाली 20 रुपये वाली, मुझे खिलौना वाली दूरबीन की बात से नहीं कर रहा हूँ मैं, तो वो क्या होता है बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हो ना बहुत क्लियरली, तो उसमें क्या होता है ध्यान से देखना कि ये आपका ऐसे बड़ा होल होता है इधर इस साइड, ठीक है ना, और आपकी आंख यहाँ पे कहीं होती है, यहाँ पे कहीं इधर से देखते हो, तो अब जरा सोचो कि मेरे ऑब्जेक्ट से रे आ रही इधर से इंटर कर रही है, इधर से इंटर कर रही है ना, तो आपको पता है कि रे जो होती है आपकी सीधी डायरेक्शन में चलती है बिल्कुल, तो ये तो बिल्कुल जाएगी यहाँ पे ऐसे टकरा जाएगी है ना, तो ये तो टकरा जाएगी तो आपकी आंखों में तो जा नहीं सकती। अब तुम लोग बोले सर रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, ये कोई प्लेन मिरर थोड़ी है, कुछ पार्ट एब्जॉर्व करेगा थोड़ा सा पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा, तो आपकी आंखों में जाएगी नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है कि अब इस रे को मेरे को टिल्ट करना होता है, इसका टिल्ट मतलब क्या घुमाना होगा, मैं डेविएशन करना पड़ेगा, ये मेरे ओरिजिनल रे है, तो अगर यहाँ पे अगर आप प्रिज्म लगा दोगे तो ये क्या करेगी इसे घुमा देगा ऐसे,
और हर एक प्रिज्म का एक डेविएशन होता है कि वो कितना घुमा सकता है। तो अभी अपन देखेंगे कि मिनिमम कम से कम कितना डेविएशन होना चाहिए। और ये जो रे ऐसे है इसको यहाँ पे घुमा दे और यहाँ पे आपकी आंखें आंखें पर चलेगी रे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है आपको इमेज दिखा देगा। तो इसलिए जो था क्या यहाँ प्लेन स्लैब लगा सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो अब देखो कि अब तुम्हें यहाँ पे तुम्हें एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा। देखो कैसे, ये मेरी क्या है ओरिजिनल लेन, ये मेरी क्या है ओरिजिनल लेन, और ये मेरी क्या है बच्चों, ये मेरी सॉरी ये मेरी क्या है इमेजेंट रे, मतलब क्या फाइनल रे, और ये मेरी क्या है ओरिजिनल रे। ओरिजिनल रे अगर तुम बढ़ाते हो आगे, थोड़ी सी कुछ चीज़ मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा साफ साफ फिगर हो जाए। ये मेरी ओरिजिनल रे बच्चों, अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, ये मेरी ओरिजिनल रे को मैंने आगे बढ़ा दिया, तो इसके और इसके ओरिजिनल रे और फाइनल रे के बीच जो एंगल बनेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो क्या बनेगा भाई, इसको पीछे में ला दूँ, ये एंगल बन रहा है, ये इसे मैंने पीछे बढ़ा दिया और एक लाइन ये बन गया, एक लाइन मेरा ये बन गया। तो ये जो होगा बच्चों क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। अपन लिखते हैं किससे, डेल्टा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं डेल्टा से लिखते हैं। तो लिख लें डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। तो अब मेरा क्या सवाल ये हो गया, क्या इसका प्रिज्म का बहुत ज़्यादा यूज होता है बच्चों रियल लाइफ में, जहाँ भी रे को बेंड कर करके लाना होता है तो वहाँ पर हम लोग प्रिज्म लगाते हैं। तो हर एक प्रिज्म का एक डेविएशन होता है। मार्केट में जाता है और बोलते हो कि इतने डेविएशन का आपको प्रिज्म चाहिए, ठीक है ना। तो एक होगा कि भाई कम से कम हमें कितना चाहिए, कम से कम अब बोलोगे मेरे को कम से कम इतना चाहिए, इतने डेविएशन का प्रिज्म चाहिए। तो चलो देखते हैं कि आखिर डेविएशन कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अपन डेविएशन कैसे निकालेंगे वो चीज़ देखते हैं अपन। तो अब लिख लीजिए अपनी अगले हेडिंग लगा दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म। कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ब्रैकेट में डेल्टा इन प्रिज्म। पहले तो मैं फिगर बनाते हैं बहुत अच्छा सा बड़ा सा। ये आपके क्या बच्चों प्रिज्म है, ये आपका क्या कहलाता है बेस कहलाता है। अच्छा एक और चीज आगे नॉलेज के लिए साइड में लिख लेना इसको, क्या अगर मैं इस प्रिज्म को मैं ऐसे कट कर दूं, बस ऐसे टिल्ट कर दूं, तो क्या रे को बेंड करेगी, मतलब ऐसे होंगे ऐसे। हाँ भाई ये प्रिज्म की तरह बिहेव करेगी, रे को बिल्कुल बेंड करेगी। हमें ऊपर से क्या लेन देन है, बस हमें क्या चाहिए ये आपको मिलना चाहिए, ठीक है ना। ये आपको हमें क्या चाहिए, ये आपका ऐसे बेंड होना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं तो मिलेगी ना ऐसे, ठीक है ना। देखो प्रिज्म मतलब क्या, रे को बेंड करे तो देख लें यहाँ से डालो, ये आपको ऐसे जाएगी, फिर ये क्या हो जाएगा आपको ऐसे जाएगी, ये आपकी ओरिजिनल ले हो गए और ये आपकी, तो डेल्टा तो बना रहा है ना, बेंड कर दिया मेरा काम हो गया। तो अगर आप प्रिज्म कट भी कर दे रहे हो तो वो प्रिज्म की तरह बिहेव करेगी, ऐसा नहीं कि प्रिज्म तरह नहीं बिहेव करेगी, बिहेव करेगी। चलो जो अपना काम है मैंने वो देख लेते हैं, कंडीशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म। ये आपको प्रिज्म बच्चों थोड़ा सा और फिगर बड़ा बना दे, ठीक है। अब क्या बच्चों कि इधर से रे, चलो पहले नॉर्मल बेंड ड्रॉ कर लेते, ये नॉर्मल यहाँ पे और ये नॉर्मल यहाँ पे थोड़ा सा बेंड, हाँ बच्चों यहाँ से मैंने रे डाला इंसिडेंट रे और ये एंगल आई बना ली। यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि रे से डेंसर में जाएगी, तो क्या टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, तो ये आपके ऐसे हो जाएगी यहाँ पे, और ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद आर एन बनाया। अब ये जो रे इस सरफेस के लिए रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो क्या बन जाएगी, इंसिडेंट एंगल। तो मैंने माना कि इंसिडेंट एंगल यहाँ पे आर टू है, और ये जो बच्चों है अब क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, सीधे ना जाके ऐसे ना जाके सीधे ना जाके क्या जाएगी, ऐसे दूर चली जाएगी ऐसे, ठीक है। और ये जो एंगल होगा नॉर्मल से, इसे बोलेंगे हम लोग ई बोलेंगे, ठीक है ना। अब इतनी बात हो गई, अब ध्यान से देखना बच्चों, अगर ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल के अंदर क्या ये टोटल एंगल क्या इस साइड का होना चाहिए 90 डिग्री। तो अगर ये बच्चों आर वन है, अगर मैं ट्राइंगल मान लेता हूँ, लाइक
इसे मान लो ए नहीं, इसे मान लो तो पी क्यू आर, यहाँ पे ये वाला इस पॉइंट मान लो एस, और ये वाला क्या आपका टी है, ये वाला क्या आपका टी है, एस वाला ये पॉइंट ये टी है, तो मैं बोल सकते हैं इन ट्राइंगल पी एस टी। तो ये बच्चों मेरा कितना होता है एंगल ए होता है, तो ये तो हमारा एंगल ए हो गया प्लस में। अब हमें ये बता दो कि ये आर वन है तो ये अलग एंगल कितना होगा, ये अलग एंगल। तो बोलो सर ऐसा कि नॉर्मल जो है इस सरफेस से 90 बना रहा है, नॉर्मल का मतलब हुआ कि नॉर्मल, तो अगर ये आर वन तो क्या हो जाएगा 90 माइनस आर वन, तो हो जाएगा बच्चों 90 माइनस आर वन, और ये क्या हो जाएगा अगर ये आर टू है तो ये अलग एंगल क्या होगा 90 माइनस आर टू, क्योंकि ये भी 90 बना रहा है, तो प्लस में क्या हो जाएगा 90 माइनस आर टू इक्वल टू 180 डिग्री। अगर बच्चे सॉल्व करोगे तो तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा, देख लो 90 90 180 खत्म होगी कहानी, और यहाँ से मिल जाएगा ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। एक चीज़ तो आप इसे याद रख लो, ये बहुत यूज होगा ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए कि मतलब जो एंगल ऑफ प्रिज्म बचे हुए हैं वो यहाँ के रिफ्रैक्टिव एंगल और यहाँ के रिफ्रैक्टिव एंगल के बराबर होगा, ठीक ना। हालांकि यहाँ पर इंसिडेंट एंगल है तो यहाँ के बराबर ए इक्वल टू क्या होगा आर वन प्लस आर टू। हमें बच्चों निकालना है क्या डेल्टा, हमें मेरा कैलकुलेशन क्या करना है डेल्टा, तो चलो डेल्टा देखते हैं। डेल्टा क्या है बच्चा, दो सरफेस हो रहा है क्या, हाँ दो सरफेस हो रहा है, एक तो यहाँ वाले से हो रहा है कि यहाँ वाले से हो रहा है, तो पहले दोनों के लिए अलग लिख लेते कि डेल्टा वन प्लस में लिख देते डेल्टा टू। डेल्टा वन बच्चों यहाँ से क्या होगा तुम जरा देख के बताओ, इस वाले सरफेस के लिए तुम लोग बोलोगे सर ऐसा है, इस सरफेस के लिए मात्र डेल्टा वन होता है ना, अपन रिफ्रैक्शन के लिए क्या बताया था मैंने, रिफ्रैक्शन के लिए डेल्टा कैसे निकालते हैं, तो मान लो ये ये क्या आपका इंटरफेस है, ये आपका नॉर्मल है, और ये ऐसे रह गई आई, और ये ऐसे आपकी बेंड हो गए, ठीक है ना, ऐसे क्या हो गई आपकी बेंड हो गए, तो नॉर्मल तो ये आपका, तो ये टोटल आर हो गया, और ये कितना आई है, तो अगर ये आपकी फाइनल ले हो गई और ये आपकी ओरिजिनल है, तो ये हो जाएगा आई, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये होगा आपका आई, तो डेल्टा मैंने आर माइनस आई वन हो जाएगा, आर माइनस आई हो गया। तो ये चीज़ मैंने बताया था रिफ्रैक्शन में कैसे निकालते हैं अपन डेल्टा, तो यहाँ पर देखो कैसे निकालेंगे, अगर तुम हमें ये बताओ ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और ये आपकी इंसिडेंट एंगल है, तो ओरिजिनल है, तो अगर मैं इसको पीछे बढ़ाता हूँ ऐसे आगे बढ़ाता हूँ, तो ये जो मैंने आगे बढ़ाया और ये जो है इनके बीच की जो एंगल होगी वही तो क्या कहलाएगा आपकी डेल्टा वन, वो कितनी होगी भाई कि अगर ये आई है तो टोटल कितना होगा, ये पूरा आई होगा, ये पूरा आई होगा, ये आपका क्या होगा पूरा आई हो गया, तो ये टोटल आई और ये आर वन घटा दोगे तो हमें मिल जाएगा क्या आई माइनस आर वन, ये थोड़ा सा यहाँ से डेल्टा वन मिल गया मेरे को आई माइनस आर वन, ठीक है ना, क्योंकि आई ज़्यादा है बच्चों ना, अगर देख लो ये नॉर्मल है ऐसे मैंने बढ़ा दिया यहाँ पे, तो आई मेरा आई क्या है ज़्यादा है और आर वन क्या कम है, अब फिर मिटा देते हैं ताकि आपको क्लियर पिक्चर है। यहाँ की बात होगी, अगर मैं यहाँ से आपसे सवाल करूँगी यहाँ पे क्या होगा, तो तुम बताओ आर टू माइनस सी होगा ई माइनस आर टू होगा, तो यहाँ पे कैसे डेविएशन निकालेंगे इस सरफेस के लिए, टोटल ये टोटल है डेल्टा क्या भाई टोटल है आपका, ये डेल्टा क्या टोटल एंगल ऑफ डेविएशन इस प्रिज्म के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा भाई कि यहाँ पे अपन देखेंगे तो ये फाइनल है और इसके लिए क्या है ये आपकी ओरिजिनल है, इस सरफेस के लिए बस बता रहे डेल्टा टू, ये डेल्टा वन इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये डेल्टा टू क्या है डेल्टा टू क्या है इस सरफेस के लिए क्या है एंगल ऑफ डेविएशन, तो अगर इस रे को अगर आप बढ़ाते हो ऐसे ओरिजिनल यही है, तो ये जो बच्चों ये आपकी ओरिजिनल ऐसे बढ़ाओगे तो जाएगी, तो ये जो एंगल होगा डेल्टा टू क्या लाएगा, डेल्टा टू क्या होगा कौन सी एंगल बढ़ी है, ये पूरा टोटल ई है तो ई माइनस आर टू हो जाएगा, ये आपकी दिस और ये आपकी दिस, हाँ तो ये आपकी आर टू हुआ और टोटल ई है, तो ये बच्चों हो जाएगा आपका ई माइनस आर टू प्लस में ई माइनस आर टू, ठीक है क्लियर नहीं आता, तो मैंने पिक्चोरियल भी आपको क्लियर कर दिया बिल्कुल भी। ये नॉर्मल था अपना और ये बेंड हो गए, ठीक है, तो यहाँ से बच्चों डेल्टा प्रिज्म टोटल मतलब मैं देखो प्रिज्म का वो है तुम्हें पता चल जाना चाहिए, तो डेल्टा जो क्या आ जाएगा बच्चों आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस में क्या आर टू, क्या मैं लिख सकता हूँ क्या डेल्टा इक्व टू आई प्लस ई माइनस ए, डेल्टा इक्व टू आई प्लस ई माइनस ए,
तो ये होता है बच्चों डेल्टा किसी प्रिज्म के लिए। और ये डेल्टा कौन सा है भाई, देख लो यहाँ पे फिगर बनाता हूँ। तो ये आपकी फाइनल लें और ये क्या आपकी ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल को आगे बढ़ा, ये आपकी ओरिजिनल आगे बढ़ गए और ये इनके बीच का ये जो एंगल होगा ये क्या कहलाएगा, डेल्टा कहलाएगा, है ना। इनके बीच का ये मेरी ओरिजिनल है, क्या फाइनल है, तो ये डेल्टा होगा। ये कितने के बराबर था बच्चों, यहाँ का डेल्टा होना यहाँ का डेल्टा टू के बराबर था। तो डेल्टा कितना हो गया बच्चों, आई प्लस ई माइनस ए हो गया। डेल्टा कितना हो गया, आई प्लस ई माइनस ए हो गया। अब हम लोग बच्चों देखेंगे ग्राफ देखने वाले, अब हम लोग देखेंगे हेडिंग ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। यहीं से ग्राफ निकल के आएगा, तुम देखना अभी मैं डिस्कस करना आगे। ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, अभी क्या है बच्चों अपने को ग्राफ देखना है। ग्राफ है अपना ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब मैंने ये जो रिजल्ट निकाला है डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस, यहीं से मैं क्या करूँगा ग्राफ में ड्रॉ कर सकता हूँ, देखना कैसे। डेल्टा क्या है बच्चों, आई प्लस ई माइनस ए, है ना। अब देखो ये ए तो मेरा प्रिज्म का, किसी प्रिज्म के ए तो मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी कि मेरे पास दो वेरिएबल है, एक तो आई और एक ई है, यानी कि आई और ई पे डिपेंड करेगा। पर मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है आई के बीच, तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं ई को कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या आई के फॉर्म में, हाँ किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये ई इज कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ आई, इसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। जानने की जरूरत नहीं है, बस सिलेबस में नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट तुम्हारे कहीं और पढ़ोगे तो डायरेक्ट तुम्हें कर्व दिखाया जाएगा। दो बस स्ट्रेंथ सारा लगाओगे ना यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे। ये क्या हो गया, आई हो गया, ये हो गया आपका आर वन हो गया, ये हो गया आपका आर टू, और ये हो गया आपका ई हो गया। तो यहाँ पे लगाओगे एन इंटू साइन आर टू वन कॉस टू वन इंटू साइन ई, और यहाँ पे लगाओगे तो फाइनली अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। कई बार साइन इनवर्स साइन आएगा, तो वहाँ पर फाइनली क्या हो जाएगा, ई को मैं आई के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और ऑलरेडी आई अपने आप में आई है ही। तो ओवरऑल ये पूरी फंक्शन को मैं क्या कर सकता हूँ, डेल्टा इक्वल्स टू एफ ऑफ आई, मतलब ये पूरी फंक्शन क्या हो गई, आई का फंक्शन हो गई। पूरा डेल्टा क्या होगा, आई पर डिपेंड करने लगा। तो अगर डेल्टा आई पर डिपेंड कर रहा है, तो अगर अपन ग्राफ बनाए तो देखो कैसे बनने वाला है ग्राफ। मैं जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बच्चों मैंने y एक्सिस पे डेल्टा ले लिया और x एक्सिस मैंने i ले लिया, ठीक है ना। इधर भी फिगर हम बना देते हैं ताकि क्लियरिटी रहे प्रिज्म वाला। ये नॉर्मल से i, ये नॉर्मल से r1, ये नॉर्मल से r2 और ये नॉर्मल से e, ठीक है। अब क्या है बच्चों, मेरे को डेल्टा और आई के बीच क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। अब तुम लोग देखना है ये मिनिमम आई में कितना ले सकता हूं, मतलब रे मेरी नॉर्मल के लंग्स ले जाए तो आई जीरो हो गया, और मैं बढ़ाते बढ़ाते इस रे को मैं इसकी इसकी अलॉन्ग कर दूं, है ना, तो मेरा 90 हो जाएगा, है ना। जैसे ये मेरे में तो किसी ऐसे एंगल ले ना, किसी एंगल आई पे ले लिया, पर ये एंगल को क्या आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ। तो इसका मैं इस एंगल आई को ऐसे घुमाऊं, तो ये अगर मैं यहाँ चालू करूँ तो मेरा ये होगा आई जीरो होगा, क्योंकि नॉर्मल की लॉन्ग है। ऐसे भी तो रे जा सकती है, ऐसे भी तो रे जा सकती है, ऐसे तो रे जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, और ऐसे भी इंटरफेस के लॉन्ग जा सकती है। तो अगर यहाँ पे होगा तो नॉर्मल से कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो मेरा जो आई है बच्चों वो वेरी कर सकते कितना, जीरो से लेकर 90 तक। तो ये मैंने बच्चों कर दी, यहाँ पे मेरा आई जीरो हो गया और ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे 90 हो गया अप्रॉक्स ले लिया। अगर ग्राफ ड्रा करने बच्चों यहां पर समथिंग तुमको ऐसे मिलता है, ये क्या होगा आपका आई 90 डिग्री होगा, पाई बाय टू, चलो ये ग्राफ है अपने अपन देखते हैं। ये आपका ग्राफ आता है ऐसे कुछ आएगा, ठीक है ना। गलती से भी इसे पैराबोला में समझना और इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री में समझना,
ना तो ये पैराबोला है ना तो इस पॉइंट के पास सिमेट्री भले ही आपको दिख रहा है पर ऐसा है नहीं, ठीक है ना। अब देखना तुम लोग क्या इस कर्व के लिए, क्या इस कर्व के लिए अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करूं ऐसे तो ये मेरे को डेल्टा मैक्स मिलेगा। यहां पे अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो यहां पे जो मेरे को कट करेगा तो मेरा क्या होगा डेल्टा मैक्स, बोलो। तो डेल्टा मैक्स तुम्हें किस किस वैल्यू पे मिल रहा है तो तुम बोलोगे सर यहां पे आपको डेल्टा मैक्स मिल रहा है यहां पे, तो जिस वैल्यू पे मिल रहा है मान लो किस आई के किस वैल्यू पे मिल रहा था मिला था आपको, तो एक तो आई का ये वाला वैल्यू होगा। और आप अगर इसको यहां से मिला दो क्योंकि भी तो डेल्टा मैक्स है, देख लो यहां पे इतना कट कर रहा है इसे, तो आप इसे मिला दो आप, तो ये हो गया आपका यहां पे भी मैक्सिमम मिलेगा और डेल्टा क्वेश्चन यहां पे आई क्वेश्चन 90 होगा और हमें यहां पे आई नहीं पता है। यहां पे तो मेरे को पता है कि आई मेरा क्या है 90 मैक्सिमम यहीं तक जाएगा आपकी आई, इससे ज्यादा नहीं सकती। और ये क्या है जीरो है, पर ये क्या है कि ये जो आई है बच्चों ये क्या है जीरो 90 के बीच में होगी, ये मेरी मिनिमम जीरो और मैक्सिमम कितना है बच्चों 90 डिग्री है ना, इससे तो आगे तो बढ़ा नहीं सकते आप। और 90 पे आपको एक तो मिल गया कि अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या 90 डिग्री पर तो आपको क्या करना मिलेगा मैक्सिमम डेविएशन। मैक्सिमम 90 का मतलब क्या हुआ कि ये जो रे है जो क्या जाए इसके रे के अलोंग चली जाए, मैं बता देता हूँ आपको आई की वैल्यू 90 का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल से 90 बना है उस केस में आपको क्या मिलेगा मैक्सिमम डेविएशन मिलेगा। देखो जैसे तो ये क्या मतलब अगर ये नॉर्मल है बच्चों 90 कब बनाएगा ये 90 कब बनाएगी, ये मतलब ये सरफेस है उसी के अलोंग चली जाए इंटरफेस के अलोंग चली जाए, यही तो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। इसके इस साइड क्या है ये समझो कि एक क्या सरफेस है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता ही है, इस साइड एयर है इस साइड क्या आपका मटेरियल है मतलब डेंसर है, दोनों मीडियम को जो डिवाइड कर रहा है वही तो इंटरफेस होता है। तो ये इंटरफेस के लॉन्ग ये इंटरफेस मान लो और ये 90 है तो इंटरफेस के लॉन्ग जो रे जाती है हम लोग क्या बोलते हैं ग्रेजिंग बोलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ग्रेजिंग इंसिडेंस हो रहा है, यही तो बोल रहा है कि यहाँ पर मैक्सिमम आई कोस्टर 90 डिग्री है यहीं भी आपको मैक्सिमम डिग्री मिलेगा। एक तो ये बच्चों ऐसे जाएगी और यहाँ से आपकी बेंड हो जाएगी और ये आपकी ऐसे निकल जाएगी, तो ये तो आपकी ओरिजिनल ले मिला होगा तो आपकी ऐसे चली जाएगी और ये आपकी ये फाइनल ले तो इनके बीच का ये जो एंगल होगा ना ये आपकी मैक्सिमम डेविएशन मिलेगी। तो वो तो मेरे को मिल गया है बच्चों आई क्वेश्चन 90 डिग्री, आई क्वेश्चन 90 डिग्री पे मेरे को मिल गया कि यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चों कि यहाँ पे आपकी मैक्सिमम आपको क्या मिलेगी मैक्सिमम क्या मिलेगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा। अच्छा तो मैं ऐसे अभी मैं इसको निकाल इसको अपन निकालने की कोई जरूरत नहीं है या निकाल लेंगे अपन उसका कोई टेंशन वाली बात है नहीं, अभी अपन देखें कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन तो उस केस में ये वाला एंगल अपन निकालेंगे, ठीक है ना। अभी बस ये समझो कि क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो आपको मैक्सिमम डेविएशन मिल रहा है आपके आई के दो वैल्यू मिल रहा है, एक तो आई का वैल्यू 90 डिग्री है और यहाँ पे मैं बस आपको जानकारी के बता दूँ कि यहाँ पे जो बच्चों आता है वो आता है इक्वल टू आता है 90 डिग्री, इक्वल टू क्या आता है 90 डिग्री मतलब आपका एक एंगल ये ई है ना कि आई है यानी कि इसकी क्रस्पॉन्डिंग आई की वैल्यू कुछ आएगी, यहाँ पे इसके क्रस्पॉन्डिंग कुछ आई की वैल्यू आएगी, बात समझ में आ रही है। ई की वैल्यू क्या 90 डिग्री मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब वो तब आपको मैक्सिमम डेविएशन मिलेगा। मैं थोड़ा सा फिर से आइडिया देता हूँ लाइक ऐसे आप यहाँ से ऐसी एंगल डालो कैसे डालो ऐसे एंगल में पता नहीं है कि अगर ये बेंड हो और यहाँ से ये नॉर्मल तो ये क्या करे कि एंगल ऑफ इमर्जेंट ई क्या हो जाए आपको 90 डिग्री मिल जाए, तो यही तो आपकी ये 90 डिग्री लगे इनकी इंटरफेस के लॉन्ग चल जाए ये आपके ऐसे चल जाए, तो अब जो है आपके ओरिजिनल ये हो जाएगी बच्चों और ये आपके क्या हो जाएगा मैक्सिमम डेल्टा मिल जाएगा। तो एक तो इंसिडेंट रे इंसिडेंट एंगल आपको 90 डिग्री बना ले और ये क्या बना ले ई 90 डिग्री बना ले, तब दो केस में आपको मिल जाएगा आपको मैक्सिमम डेविएशन, ठीक है। तो एक चीज़ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो डेल्टा मैक्स मेरे को मतलब मैक्सिमम जो एंगल ऑफ डेविएशन मेरे को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है दो मिल रहा है, ठीक है ना, सॉरी हाँ मैक्सिमम डेविएशन तो मिल रहा है क्या नहीं, मैक्सिमम डेविएशन तो मेरे को एक मिल रहा है ये इतना मिल रहा है, पर आई की दो वैल्यू है, एक तो आई की वैल्यू 90 डिग्री है और एक आई की वो वैल्यू होगी, मैंने बताया नहीं था कौन सा वैल्यू फिक्स नहीं निकालना पड़ेगा, एक आई की वो वैल्यू होगी जिस वैल्यू पे ई की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री हो, तो हम लोग इसे बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस होगा ही इंटरफेस के लॉन्ग रे जा रही है ग्रेजिंग
इंसिडेंस, और एक हो जाएगा बच्चों ये आपका हो जाएगा ग्रेजिंग, क्या होगा बोलो, इमर्जेंट, वो इंसिडेंस हो रही है और ये क्या होगा इमर्जेंट हो जाएगी, ग्रेजिंग इमर्जेंट, दोनों चीज क्लियर है। इस चीज को बिल्कुल भी 100% यहाँ पर टेंशन दो, क्योंकि अगर आगे अपन कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन और मिनिमम डेविएशन पढ़ेंगे दोनों जगह अपन इसको यूज करने वाले हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस और ग्रेजिंग इमर्जेंट। आई होप ये चीजें क्लियर होगी। फिर से एक बार अपन देखते हैं अपने को मैक्सिमम डेविएशन जो है ये भाई देखो ना, ये इतनी वैल्यू क्या मैक्सिमम डेविएशन है, और यहाँ पर मेरे को दो वैल्यू मिल रही है, एक तो ये, एक ये मिल रही है जहाँ पे मेरे को आई की वैल्यू पता नहीं, पर वो बोला कि आई की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे ई कॉस्ट 90 डिग्री हो, मतलब चलो मैंने अप्रॉक्स कर लिया कि ये आपका क्या है, समझो चीज को कि ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, तो बोल क्या रहा है कि यहाँ पे आई की वैल्यू ऐसी होगी, चलो मैंने आई की वैल्यू समथिंग आई ही ले लिया, यहाँ से मुड़ेगी और यहाँ से आपको ऐसे नहीं जाएगी, ये ऐसे जाएगी तो समथिंग एंगल ई की वैल्यू कुछ आ जाएगी, इसे बेंड करते जाओगे, बेंड करते जाओगे तो यहाँ पे ऐसे आपकी ऐसे निकल जाएगी और ये कहलाएगा आपका ई कॉस्ट क्या 90 डिग्री, और इसी को हम लोग क्या बोले ग्रेजिंग। देखो इंटरफेस के अलॉन्ग क्या करे, ग्रेज कर गई है और इमरजेंट है, ग्रेजिंग इमरजेंट हो गया। ग्रेजिंग इंसिडेंस देख लो, ग्रेजिंग इंसिडेंट में क्या है, वो आई बोल रहा है कितना है आपका 90 डिग्री, इसी आई को ऐसे बेंड करते जाओ तो ये ऐसे हो जाएगी आपकी। फिर से वाला चीज़ देख लो, वो एक तो मैक्सिमम डेविएशन तब मिलेगा आपको बच्चों कि ये आपकी मान लो नॉर्मल है तो 90 डिग्री का बनाएगा इंसिडेंस एंगल, मतलब ये आपकी रे ऐसे इसके अलॉन्ग चली जाए, यहाँ बेंड हो और यहाँ पे आपकी क्या हो नॉर्मल है मेरा, ये आपका क्या नॉर्मल, तो ऐसे समथिंग निकल जाए, यहाँ पे ई हो गया, ठीक है ना। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में कुछ ई की वैल्यू आता है, पर हमें ई की वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें आई की वैल्यू से मतलब है। तो यहाँ पे तो आई की वैल्यू क्या 90 डिग्री है, पर यहाँ पे ई कॉस्ट 90 डिग्री है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में अपन आई निकाल सकते हैं, उससे कोई टेंशन नहीं है। तो अब सब कुछ अपन आगे देखेंगे, उसका कोई टेंशन है नहीं। अब तुम्हें फिर से मैं आता हूँ, अभी इस कर्व से मैंने क्या क्या सीखा वो चीज़, इस कर्व से मैंने ये सीखा, पहले वो चीज़ ध्यान से नोट के फॉर्म में याद रखना होगा तुम्हें कि ये पैराबोला नहीं है और इस पॉइंट के बाद सिमेट्री है जो लोएस्ट पॉइंट है, पहली बार। अब आता है जो मेरे को दिख रहा है वो तो आपको याद रखने दो, मेरे को जो दिख रहा है वो मेरे को ये दिख रहा है कि ये ग्राफ शो ये कर रहा है कि आपकी आई की दो वैल्यू पे, आई की दो वैल्यू पे मैक्सिमम डेविएशन आपको मिलेगा, ठीक है ना, आपको मैक्सिमम डेविएशन मिलेगा, या यू बोलूं मैं कि जो आपकी मैक्सिमम डेविएशन मिल रहा है ये वैल्यू ग्राफ की जो पिक वाला पॉइंट है, ग्राफ का ये जो पीक वाला पॉइंट है बच्चों। अच्छा ऐसे पहले एक और चीज देख लो, क्या मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे इस डायरेक्शन में जाऊंगा, अभी वो सारे पॉइंट भूल जाओ, अपन सारे पॉइंट को लिखाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस इस चीज को समझो। ये ग्राफ ये शो कर रहा है बच्चों, पहली बात तो ये ग्राफ शो क्या रहा है, ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ा रहे हो लाइक यहां से ऐसे, तो यहां पर यहां तक तो आपको कोई आपको क्या मिला, यहां पर नथिंग कुछ आपको मिला ही नहीं है, यहां पे आपको डेविएशन मिला ही नहीं है, है ना, यहां तक तो आपको डेविएशन कुछ मिला ही नहीं है। अगर यहां से यहां तक इस इंसिडेंट एंगल तक तो डेविएशन मिला नहीं, लेकिन जैसे आप यहां से बढ़ना चालू किए, तो अगर बच्चों यहां से बढ़ना चालू करोगे तो तुम देखो आई तो तुम्हारा बढ़ता जा रहा है, पर जैसे आएगी एक ऐसी तुरंत मिनिमम वैल्यू आएगी कि जहां पे डेविएशन क्या हो जाएगा मैक्सिमम जाएगा। अब ये ग्राफ जैसे जैसे तुम इस साइड बढ़ रहे हो, जैसे जैसे इस साइड मतलब क्या बढ़ने मतलब आई की वैल्यू तुम बढ़ा रहे हो, तो वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन मेरा क्या हो रहा है डिक्रीज करना चालू हुआ, डिक्रीज करना चालू हुआ, करते 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 एक करते 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 क्या हुआ कि मेरी एक मिनिमम वैल्यू आ गई आई की, सॉरी आई की मिनिमम वैल्यू आई क्या, नहीं तो मैं तो आई तो बढ़ाता ही जा रहा हूँ, इस साइड तो मैं आई बढ़ता जा रहा हूँ, मेरे को डेल्टा की मिनिमम वैल्यू बच्चों आ जाएगी, यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ मेरे को क्या मिलेगा डेल्टा की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। हमें यहाँ पे आई के कुछ ऐसा एंगल यहाँ पे आई आएगा जहाँ पे मेरे को आई की मिनिमम डेल्टा डेल्टा मिनिमम मिल जाएगा, या उस आई के लिए एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाएगा। फिर से अगर अपन यहाँ से बढ़ना चालू करेंगे तो फिर से मेरा क्या होगा, ये ग्राफ बढ़ने लगा, ग्राफ बढ़ने मतलब क्या कि ये जो आई की वैल्यू बढ़ाने पे डेल्टा की वैल्यू बढ़ने लगी और जाते जाते फिर से मैक्सिमम आ जाएगा। तो ये जो मैक्सिमा है और ये जो मैक्सिमा है वो क्या, ये तो वैल्यू फिक्स है वाई की, वाई की वैल्यू फिक्स मतलब क्या डेल्टा मैक्सिमम क्या फिक्स है,
है ना। तो ये जो मैक्सिमम डेविएशन है बच्चों, आई के दो वैल्यू मिल रहा है, एक आई की वैल्यू 90 डिग्री है और एक आई का वो वैल्यू है, वो वैल्यू मतलब मेरे को पता नहीं है भाई, जिसपे ई की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम डेविएशन मेरे को दो केस मिलेगा, एक ग्रेजिंग इंसिडेंट और एक ग्रेजिंग इमर्जेंट। बस इतना ही सीखना था। पहला पॉइंट, अगर आई की वैल्यू बढ़ाओगे तो डेल्टा मैं एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रिज्म पहले तो डिक्रीज करेगा, फिर मिनिमम तक आएगा, उसके बाद क्या होगा, क्या होगा बताऊं, उसके बाद फिर से बढ़ना चालू हो जाएगा। तो मेरे को ग्राफ से मिल रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन या डेविएशन मेरे को मैक्सिमम आई के दो वैल्यू मिल रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन जो है मैक्सिमम जो है मेरे को आई के दो वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। अगर अब फिर से यहाँ पे अब ध्यान दो, तो एक मेरा काम हो गया, एक तो मेरे को पहला पॉइंट ये कि अगर आप आई की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, पहले तो डेविएशन क्या होगा, घटेगा घटेगा, मिनिमम तक पहुंचेगा, फिर से वहां से उठ जाएगा, फिर से ग्राफ बना मैक्सिमम पे आ जाएगा, मतलब पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अब तुम देखो यहां से कि यहां पे जो है मेरे को दिख गया कि यहां पे जो है मैक्सिमम डेविएशन आई के दो वैल्यू पा रहे, एक तो ग्रेजिंग इंसिडेंस है, एक क्या ग्रेजिंग इमर्जेंट है। बहुत ज्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ बार बार इस ग्राफ को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इससे निकलने वाली है आगे, अगर ये चीज़ क्लियर नहीं हो तो काम नहीं पाएगा। अभी जब मैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन पढ़ाऊंगा तो इन दोनों पॉइंट का यूज करूँगा, ग्रेजिंग इंसिडेंट और ग्रेजिंग इमर्जेंट। तो याद रहेगा कि जो प्रिज्म की जो मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन बच्चों आता है वो आई के दो वैल्यू पे आता है, एक वैल्यू पे नहीं, आई के दो वैल्यू पे, एक वो आई की वैल्यू होगी जहाँ पे ग्रेजिंग इंसिडेंस होगा और एक आई की वो वैल्यू होगी जहाँ पे ग्रेजिंग इमर्जेंट होगा, मतलब एक जगह आई की वैल्यू 90, एक जगह आई की वैल्यू ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। ये बात हो गई। तो मैक्सिमम डेविएशन में देख लिया, हालांकि कहीं भी लोगे, कहीं भी अगर बीच का भी इंटरमीडिएट लोगे तब भी आपको क्या पड़ेगा, आपको दो डेविएशन मिलेगा, आपको दो डेविएशन मिलेगा। तो अपन वो सब बीच की पार्ट छोड़ते हैं, अब आते हैं लोएस्ट पॉइंट पर, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन करके अगली हेडिंग देखेंगे, वहाँ पर देखना क्या होगा, वहाँ पर अपन दिखाएंगे। तो वहाँ पर जो बच्चों क्या होगा कि अब तुम हमें ये बता दो बच्चों यहाँ पे कि क्या मेरे को यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर तुम यहाँ पे अगर तुम मैं देखूँ तो ये क्या होगा, ये मेरी वाई की लेंथ, क्योंकि वाई मतलब क्या होगा मिनिमम डेविएशन, तो ये मिनिमम डेविएशन कितने मिल रहा है बच्चों, ये मेरे आई की वैल्यू मिलेगी, क्या मेरे को दो आई की वैल्यू मिल रही है नहीं। तो एक चीज ये बात हो गई कि मिनिमम डेविएशन के लिए बच्चों किसी भी प्रिज्म में अगर आप चाहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम मिले तो वो किसी आई की एक ही वैल्यू मिलेगी, पर मैक्सिमम डेविएशन या उसके सिवाय छोड़ के कहीं बीच का भी आपकी दो मिलेगी आई की वैल्यू। पर यहाँ पे क्या मिल रही है बच्चों, मिनिमम डेविएशन कितनी मिल रही है बच्चों, मिनिमम डेविएशन आपको कितनी मिल रही है यहाँ पे, कितनी मिल रही है मतलब आई की एक वैल्यू पे मिनिमम डेविएशन मिलेगा। और यहाँ पे संजोग की बात होती है, बस आपको ये याद रखना है कि जो यहाँ पे जो मिनिमम डेविएशन मिलता है वो बच्चे जो मिलता है वो होता है आई की वो वैल्यू होती है जहाँ पे आई बराबर ई हो, ध्यान से याद रखना। अगर आई की वैल्यू ई के बराबर है मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, उस केस में बच्चों क्या होगा, आपको मिनिमम डेविएशन मिलेगा। और मैक्सिमम डेविएशन में कब मिलेगा, जब आपका ग्रेजिंग इंसिडेंस हो और एक ग्रेजिंग इमर्जेंट हो। ये चीज़ें क्लियर है बच्चों, फिर से मैं बता रहा हूँ, पहला पॉइंट जब मेरी आई की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो पहले मेरा क्या होगा, अगर पहले तो मेरा यहाँ पर डेविएशन कुछ हो नहीं रहा है, हालांकि यहाँ पर टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होता है तभी नहीं होता, वो सब छोड़ो, यहाँ पर देखो कुछ एक ऐसी वैल्यू मिलेगी आई की मतलब ई क्वेश्चन 90 डिग्री जहाँ से मैक्सिमम डेविएशन मिलेगा, फिर आई की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो तो इधर बढ़ाते जा रहे हो, तो ये क्या है डेल्टा घटता जा रहा है, एक मिनिमम आया, फिर से ये मेरा क्या हो उठना चालू हो गया, फिर बढ़ता जाएगा और ये मैक्सिमम डेविएशन मिल जाएगा। तो मैक्सिमम डेविएशन आई के दो वैल्यू मिल रहा है, एक ग्रेजिंग इंसिडेंस है, एक ग्रेजिंग इमर्जेंट है, और एक क्या बच्चों मिनिमम डेविएशन क्या मिलेगा, आई के एक ही वैल्यू मिलेगी और आई के उस वैल्यू पे क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंट होगा। अच्छा अगर मैं आपसे एक बात करूँ सिंपली बस कि क्या सर आप तो आपने बता दिया मैक्सिमम डेविएशन आपको आई को छोड़ के कहीं भी अगर लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो आप तो देखो एक ये आई की वैल्यू एक ये की वैल्यू और यहाँ पे ड्रॉ करते हो तो ये भी तो ये ड्रॉ करने मतलब क्या हुआ आप समझ रहे ये ड्रॉ कर रहे हो मतलब क्या है ये लेंथ आपने कट कर दिया वाई का मतलब डेल्टा कुछ मिलना है ये तो फिक्स है तो एक तो यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी आई की एक यहाँ पे मिलेगी आई की वैल्यू मतलब सेम वाई ये मेरी वाई इस वाई के लिए मेरे पास दो एक्स एक ये वाला एक्स है एक ये वाला एक्स है देखो अगर देखो यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे तुम्हें क्वाड्रेंट लिखवाने की कोशिश करूँ एक वाला ये पॉइंट तो तुम लोग क्या लिखोगे मान लो कि ये क्या आपका डेल्टा है और मान लो कि आई वन है तो तुम लिखोगे डेल्टा आई वन एक्स वाई होता है ना तो आई वन इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा आई वन कामा डेल्टा और यहाँ पे क्या लिखोगे
तुम फिर बोलोगे यार ये तो डेल्टा ही है, तो लिखो वाई एक्स, वाई कितना होगा डेल्टा, और यहाँ पे एक्स तो चेंज हो गया, मैंने मान लिया आई टू मिल गया। वही तो बता रहे हो, देखो वाई के लिए क्या फिक्स है डेल्टा डेल्टा, पर उस डेल्टा के लिए क्या आई वन आई टू अलग अलग है, बात समझ में आ रही है। तो मतलब एक एक ही डिवीजन के लिए मतलब मेरे पास आई की दो वैल्यू आती हैं। अब देखते हैं ये क्या इसका मतलब है, इसका मतलब ये यहाँ से देखो क्या होता है, क्यों दो दो वैल्यू आ रही है, बस केवल एक ही वैल्यू यहाँ पे आएगी मिनिमम डिविजन के लिए, मिनिमम डिविजन के लिए आई की एक ही वैल्यू होगी, उसके सिवाय किसी भी डिविजन को तुम्हें पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें आई की दो वैल्यू मिलेगी। अब देखो वो तुम्हें समझाना चाह रहे हैं, लाइक ऐसे देखो ये इंसिडेंस एंगल है बच्चों, यहाँ से ये नॉर्मल है मेरा और ये मेरा इंसिडेंस एंगल आई है, ये आपकी बेंड हो गई ऐसे, और ये मेरा हो गया आर वन, फिर ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया मेरा आर टू हो गई, और फिर मेरे ये ई निकल गए। अब देखना बच्चों कि ये मेरा क्या है आई है, इस आई के लिए अगर मैं ये बढ़ाऊं तो ये मेरी क्या हो गया, देखना ये मेरे ओरिजिनल ले हो गए और ये मेरी फाइनल ले हो गए, इनके बीच का जो एंगल हो गया डेल्टा हो गया, बात समझ में आ रही है। अगर मैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी फॉलो करूं, मैंने शुरुआत पढ़ाया था ऑप्टिक्स में कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में कि अगर रे अगर ऐसे जा रही है, अगर पाथ को सेम रखो, क्या कंडीशन है, पाथ को सेम रखो और रे को ऐसे कर दोगे तो वही डायरेक्शन में जाएगी, है ना, ऐसे समथिंग मैंने कर करके बताया था अप्रॉक्स, आई थिंक ऐसे और ये ऐसे था शायद। तो अगर मेरी पाथ ये मगर रे अगर ऐसे आई है यहाँ से रिफ्लेक्ट करके ऐसे चली गई, अगर मैं रे को ऐसे भेजता पाथ में फिक्स रखूँ तब भी वो ऐसे जाती, मतलब पाथ को सेम पाथ को फॉलो करेगी बच्चों, ठीक है ना, अगर डायरेक्शन को रिवर्स कर दो तो पाथ को सेम फॉलो करेगी। तो अब देखना है यहाँ पे वही चीज बोल रहा है, आपने रे तो डाला इधर से आई से और ये आपकी फाइनल ले गई तो मेरे को डेल्टा मिला, अगर क्या करूं क्या मैं इधर से रे नहीं डाल सकता, ये मेरा ई है ठीक है ना, एंगल ऑफ इमर्जेंट, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप अब मैं इधर से देखना, कोई बंदा इधर से देख रहा है यहाँ से ले जा रही ऐसे पाथ, देखो मैं सेम रख रहा हूँ, अब मेरी आई की वैल्यू क्या होगी ई एंगल ऑफ डिविजन, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो गया तो ई मेरा रिफ्लेक्शन आर टू हो गया, ये पहला सर्फेस बना, इधर से देखूँ तो फिर इधर से मैं ये दूसरा सर्फेस है तो ये रे ऐसे आएगी, अब ये मिटा इधर ऐसे आएगी। अब क्या है देखो देखो यहाँ से देखो ये आपकी क्या रही रे सारी डेंसर में क्या हो गई बेंड हो गई, बेंड हो गई आर वन पे इंटर की, अब ये जो बच्चों निकलेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी ऐसे और ये आपका क्या हो जाएगा एंगल आई होगा। तो अब इमर्जेंट एंगल आई हो गया और इंसिडेंट एंगल क्या हो गया ई हो गया। अब फिर आपकी अगर मैं देखूँ तो ओरिजिनल ले मेरी ये हो गई और ये मेरी फाइनल ले हो गई तो ये डेल्टा हो गया। तो देखो डेल्टा में को सेम मिल रहा है, बस डायरेक्शन ने रिवर्स कर दिया, बात समझ आ रही है। तो इसी तरह आपका क्या होगा कि हर एक मिनिमम के केस में बस अलग होगा, अदरवाइज हर एक केस में क्या होगा आपका दो डेल्टा मिलेगा, ठीक है ना। पहला पॉइंट लिखो ग्राफ रिप्रेजेंट, लिखो कि दिस ग्राफ रिप्रेजेंट क्या भाई रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वैल्यू इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इंक्रीज देन क्या हो रहा है डेल्टा, देन डेल्टा में लिख लेना एंगल ऑफ डिविजन, तुम लोग ऐसे लिखना एंगल ऑफ डिविजन ब्रैकेट में डेल्टा देन एंगल ऑफ डिविजन डेल्टा फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, मतलब डिक्रीज करके कहाँ जाएगा मिनिमम फिर इंक्रीज करेगा देन इंक्रीज, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख लो मैक्सिमम डेविएशन अकर्स फॉर टू वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल, है ना,
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन अकर ओ डबल सी यू आर फॉर टू वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ठीक है, ऐसे लिख लो फर्स्ट डाल के, एक तो ग्रेजिंग इंसिडेंस हो जाएगी बच्चों, और एक हो जाए ग्रेजिंग इमर्जेंट, वहाँ पे लिखा हुआ है तो लिख वही चीज़ लिखना है। हालांकि ये सब तुम अपने पॉइंट से खुद से बना के लिखो तो तुम्हें कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो ये बच्चों मेरे पास दो हो गया कि इफ़ एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज देन एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट डिक्रीज गोज टू मिनिमा देन इंक्रीज, यानी फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन अकर फॉर टू वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगी, एक हो जाएगा आपकी एंगल ऑफ इमर्जेंट हो जाएगी। ये दो पॉइंट हो गए बच्चों। तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? तीसरा पॉइंट ये है, मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन अकर फॉर वन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक ही वैल्यू मिल रही थी ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन अकर फॉर वन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ इमर्जेंट विल बी इक्वल है ना। मतलब कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन की मिनिमम वैल्यू अकर होगी फॉर वन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ इमर्जेंट विल बी इक्वल, मतलब आई की वो वैल्यू होगी जहां पे एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पे लिख लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये बात होगी बच्चों। अब आगे लिख लो नोट में लिखो, नोट में लिखो बच्चों कि this curve is not parabola and it is not symmetric, about lowest point of curve। बोले कर्व के लोवेस्ट पॉइंट मतलब इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री नहीं है। ये तुम्हें भले दिख रहा हो पर नहीं, शायद ये स्वास्थ्य टिल्ट रहता है पर जैसा बना बस वैसे बना कर रखो, ठीक है ना, वो पैराबोली तरह हर जगह दिखता है, ठीक है। दिस इज नॉट, फिर से बच्चों एक बार मैं रिवाइज कराना चाहूँगा कि पहले अगर आई की वैल्यू आप इधर बढ़ते जा रहे हो तो पहले एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, घटेगा मिनिमम तक जाएगा फिर बढ़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि ये अगर ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो तो ये यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, मतलब ये जो वैल्यू है वाई की, मतलब मैक्सिमम डेविएशन है,
इसके लिए मेरे को एक आई की वैल्यू ये मिल रही है और एक आई की वैल्यू मेरे को ये मिल रही है। तो मैक्सिमम डेविएशन के लिए आपकी दो आई की वैल्यू, एक होता है ग्रेजिंग इमर्जेंट आई की वो वैल्यू जहाँ पे ग्रेजिंग इमर्जेंट शो करो मतलब इक्वल्स टू 90, और एक यहाँ मेरे को पता है कि आई की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। मिनिमम डेविएशन बच्चों यहाँ मिल रहा है और यहाँ पे आई की एक ही वैल्यू, संजोग की बात है वहाँ पे आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू बराबर होती है एंगल ऑफ इमर्जेंट के। ठीक है बच्चों, तो अगला अपने पढ़ने वाले अपन कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन और कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस ऑफ रे। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना सारी चीज़ों को। थैंक यू सो मच।